hello everyone in this video we'll be looking at compound interest okay we have already discussed simple interest there we talked about the fact that in simple interest principal remains the same every year okay if you've not watched that video please uh, first go and watch that video okay and then come back to this video so now here what happens is if we simply assume what is compound interest uh, or if we simply assume that rupees 100 is lent at 10% per annum as we saw in the previous video, where we drew a table as to what's happening with that hundred rupees, what is the interest, total interest. In the similar fashion, we'll look at here also. Here also. So we have, uh, we'll be talking about which year, first, second, third or fourth year. Initial principle that we have, the interest for nth year, total interest for n years, and the amount due after n years. Okay. So here, if you talk about first year, now compound interest or simple interest, mein main antar kya hai? फर्स्ट ईयर का देखते हैं फर्स्ट ईयर में तो कोई अंतर नहीं देर इज नॉट डिफरेंस इन द फर्स्ट ईयर हंड्रेड रुपीज आर लेंड एट टेन परसेंट पर नाम इनिशियल प्रिंसिड्रेड रुपीज प्रिंसिउंट उधार देते हैं that is initial Rate of interest क्या है टेन परसेंट ओके सो टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड रुपीज सो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा टेन रुपीज सिंपल सो टोटल इंटरेस्ट अभी तो सिर्फ एक साल की बात करें तो टोटल इंटरेस्ट टेन रुपीज ही रहेगा फाइन अमाउंट यू विल भी सौ रुपये उधार लिए थे और दस रुपये इंटरेस्ट बन गया तो अमाउंट यू हो जाएगा एक सौ दस रुपये ठीक है अब डिफरेंस कब आएगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर से ओके सिंपल इंटरेस्ट में हम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल थर्ड ईयर का प्रिंसिपल फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल principle, सारे प्रिंसिपल सौ रुपए लेते थे लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं होगा नाउ थिंक ऑफ इट वेरी लॉजिकली दैट यू लेंड हंड्रेड रुपीज़ टू योर फ्रेंड आफ्टर वन ईयर ही वॉज सपोज टू पे यू बैक हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ बट ही डज नॉट पे यू बैक अगर उसने तुम्हें वापस नहीं किया कुछ भी अभी तक तो इफेक्टिवली सेकेंड ईयर के लिए आपने उसको कितना उधार दे दिया हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ सौ रुपए भी नहीं दिए उसने और जो दस रुपये इंटरेस्ट बनना था वो भी नहीं दिया तो हो क्या क्या सेकेंड ईयर के लिए आपने इफेक्टिवली उसको एक सौ दस रुपए उधार दिए हैं इनिशियल प्रिंसिपल भी दिया है और जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो भी उधार दिया है तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा हंड्रेड एंड टेन रुपीज ठीक है अब सेकेंड का जो इंटरेस्ट बनेगा वो टेन परसेंट होगा किसका हंड्रेड एंड टेन रुपीज का टेन परसेंट होगा हंड्रेड का टेन परसेंट नहीं होगा हंड्रेड एंड टेन रुपीज का टेन परसेंट होगा ठीक है सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर विल बी इलेवन रुपीज सिंपल इंटरेस्ट के, के केस में ये दस आता था ना क्योंकि हम सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगाते थे अब यहां पर 110 में सौ रुपए तो इनिशियल प्रिंसिपल है प्लस दस रुपए पहले साल का इंटरेस्ट है तो हुआ क्या इस सौ रुपए का दस परसेंट तो दस रुपए होगा और ये इंटरेस्ट का दस परसेंट एक रुपए और बन गया तो टोटल इंटरेस्ट हो गया ग्यारह रुपए तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा ही इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग गया इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वॉट इज द वर्ड कंपाउंडिंग वॉट डीन कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग मीन्स इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता जाए अगर तो उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं ठीक है हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं सो दिस इज वॉट कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल चेंज इज एवरी ईयर एंड इंटरेस्ट विल ऑल्सो चेंज एवरी ईयर ठीक है सो वॉट इज द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर टू ईयर्स टेन प्लस इलेवन ठीक है विच इज ट्वेंटी वन रुपीज सो टोटल अमाउंट ये हो जाएगा सौ रुपए उधार लिए और इक्कीस रुपए का इंटरेस्ट बन गया टोटल तो एक सौ इक्कीस रुपए और यू कैन थिंक ऑफ इट दिस वे ऑल्सो कि सेकेंड ईयर में एक सौ दस रुपये उधार थे और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ग्यारह मिला तो ये दोनों मिलाकर भी एक सौ इक्कीस रुपए ही आएगा ठीक है एनी विच वे यू थिंक इट्स वन एंड द सेम थिंग ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ और सॉरी नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा पिछले साल का जो अमाउंट ड्यू है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा ठीक है

well the pattern here is that all of them are increasing by 10% every year 100 को 10% बढ़ाओगे 110 मिलेगा इसको 10% बढ़ाओगे 121 इसको 10% बढ़ाओगे 33.1 so all these values are increasing 10% every year 10% ही क्यों इंक्रीज हो रही है बिकॉज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% वेरी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है इसीलिए ये सब के सब वैल्यूज 10% इंक्रीज हो रही है टोटल इंटरेस्ट में कोई पैटर्न नहीं है टोटल इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हम इनिशियल प्रिंसिपल इंटरेस्ट फॉर एन एथ ईयर एंड द टोटल अमाउंट दोटल आफ्टर एन देख रहे हैं ठीक है दे आर ऑल इंक्रीजिंग बाय एवरी ईयर तो अगर मैं टोटल अमाउंट ड्यू पे फोकस करूं इनिशियल प्रिंसिपल कितना था सौ रुपए सौ रुपए तो एक साल के बाद का अमाउंट ड्यू कितना हो जाता है इनिशियल प्रिंसिपल को एक बार टेन परसेंट बढ़ा दो सो अमाउंट ड्यू आफ्टर वन इज इनिशियल प्रिंसिपल को एक बार टेन परसेंट बढ़ा दो यानी 10 एक बार बढ़ाया तो ये आया अब दो साल के बाद का अमाउंट यू कितना है वॉट इज यू आफ्टर टू इन इनिशियल प्रिंसिपल सौ को दो बार टेन परसेंट बढ़ा दो सो इनिशियल प्रिंसिपल इंटू वन प्लस टेन परसेंट पावर टू हो जाएगा दो बार बढ़ाना है तो प्रिजेंटे सक्सेसिवली बढ़ा रहे हैं दिस इज सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ टेन परसेंट ऑल द वैल्यूजिंग सक्सेसिवली इनक्रीज बाय टेन परसेंट इसीलिए हम इसको पावर टू कर देंगे तीन साल के बाद के लिए पावर थ्री हो जाएगा चार साल के बाद के लिए पावर फोर हो जाएगा एंड सो ऑनर सो एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हर इज दैट प्रिंसिपल एवरी इयर इंक्रीज बाय टेन परसेंट और राधर आर परसेंट यहां पर टेन आर इज टेन परसेंट हेन टेन परसेंट

एंड द टोटल अमाउंट यू इंक्रीज बाय टेन परसेंट एवरी ईयर ठीक है सो अगर मुझे फिफ्टींथ ईयर का अमाउंट यू निकालना है तो इनिशियल प्रिंसिपल को फिफ्टीन टाइम्स बढ़ा दो आर परसेंट से सक्सेसिवली इंक्रीज कर दो राइट सो दैट्स वॉट कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर हैंड्स एवरीथिंग चेंजेज एवरी ईयर ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर तो सेम रहता है दोनों में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड ईयर में फर्स्ट ईयर इज सेम डिफरेंस आता है सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ओके इफ इनिशियल प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एस आईसी का फर्स्ट ईयर सेम रहेगा डिफरेंस सेकेंड ईयर से आएगा ओके चलो सो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स नाउ और बिफोर दैट इफ पी इज द इनिशियल प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर परसेंट पर एनम and the uh, the number of years is n years, okay? P rupees are lent at r percent per annum for n years. तो first year का interest कितना होगा P का r percent. This is fine. अब यहां पे आप डायरेक्टली टोटल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते एज वी डेड इन दी सिंपल इंटरेस्ट केस बिकॉज हर साल इंटरेस्ट तो चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली नहीं निकालेंगे फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट due. In n years, amount due in n years will be P ko r percent increase karo n times successively. So this will come out to be uh, P into 1 plus r by 100 raised to the power n. Okay? R here is the rate of interest. So this is the amount due after n years. The so, total interest kitna ho jayega? Total amount due, me se initial principal hata do. That will give you the total interest. This is how we can calculate the total interest. एज फारंपाउंड इंटरेस्ट इज कंसन अमाउंट डी में से प्रिंसिपल हटा देंगे ठीक है चलो नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर कोई एक साल का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे तो अभी देखो हमने देखा हर साल इंटरेस्ट क्या हो रहा है uh, हर साल इंटरेस्ट आर परसेंट से बढ़ता जा रहा है ठीक है तो हो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड सो ऑन इस तरीके से अगर चलेगा तो अगर मुझे फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करूंगा मैं फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को एक दो तीन बार आर परसेंट से बढ़ा देता हूं है कि नहीं तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को अगर मैं तीन बार आर परसेंट से बढ़ा दूं तो आई गेट फोर्थ इंटरेस्ट इट इट इफ आई वॉन्ट दी इंटरेस्ट फॉर लेट्स वॉट आई विल डू इज फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को एक दो तीन चार पांच छ बार बढ़ाऊंगा व इंटरेस्ट फॉर फिफ्थ ईयर इंटरेस्ट फॉर सिक्सथ ईयर एंड देन आई गेट द इंटरेस्ट फॉर सेवेंथ ईयर सो वॉट यू कैन डू इज इंटरेस्ट फॉर एन एथ ईयर इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इंटू वन प्लस आर बाई आर बाय हंड्रेड रेज टू द पावर एन माइनस वन फोर्थ ईयर तक आने के लिए फर्स्ट ईयर को तीन बार बढ़ाना है फिफ्थ ईयर तक आने के लिए फर्स्ट ईयर को एक दो तीन चार बार बढ़ाना है सो एन एथ ईयर तक जाने के लिए एन माइनस वन टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा तो दिस इज हाउ यू कैन कैल्कुलेट इंटरेस्ट फॉर ठीक है दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर एनिथियर इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दी इंटरेस्ट फॉर एनिथियर लेट्स का प्रिंसिपल क्या होगा वॉट विलथियर दिस विल बी सेम एज दू आफ्टर एन माइनस वन ईयर्स पिछले साल का जो अमाउंट यू होगा वही इस साल का प्रिंसिपल होगा तो पिछले साल का अमाउंट यू कितना होगा पी का पी को आर परसेंट इंक्रीज कर दो एन माइनस वन टाइम्स यूजिंग दिस थिंग ठीक है दिस बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर एनेथियर सो इंटरेस्ट फॉर एनेथियर वॉट विल बी द इंटरेस्ट फॉर एनेथियर इंटरेस्ट फॉर एनेथियर विल बी इस प्रिंसिपल का आर परसेंट ये जो प्रिंसिपल आया है इसका आर परसेंट ओके सो दैट विल बिकम पी इंटू आर बाय हंड्रेड पी इंटू आर बाय हंड्रेड इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेज टू दावर एन माइनस वन यहां से ये मिल जाएगा मुझे ओके दिस इज सेम एज दिस थिंग हियर इट देखो बोथ हाथ सेम फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या होता है पी इन आर बाई हंड्रेड दिस इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर सो इफेक्टिवली बोथ द थिंग्स आर सेम यू यूज दिस लॉजिक और यू यूज दिस लॉजिक दोनों चीजें सेम निकल के ही आएंगी वॉट इज द लॉजिक यहां पे हम हर एक फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को दो बार चार बार या दस बार बढ़ा रहे हैं अगर एन एथ ईयर तक जाना है तो एन माइनस वन टाइम्स सक्सेसिवली इंक्रीज करना पड़ेगा ओके और यहां पर हम क्या कर रहे हैं अमाउंट यू निकाल रहे हैं आ, पिछले साल का दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर एन एथ ईयर और प्रिंसिपल का आर परसेंट विल गिव मी द इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ठीक है ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल इज थाउजेंड रुपीज इज लेंट एट ट्वेंटी परसेंट पर एनम फाइंड दी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर वेरी सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी था वेरी वेरी सिंपल थिंग इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर अब सिर्फ थर्ड ईयर का टोटल थ्री इय नहीं है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर देखो क्या होगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इसको आप आर परसेंट बढ़ा दो कितनी बार दो बार फर्स्ट से सेकेंड सेकेंड से थर्ड सो दो बार सक्सेसिवली बढ़ाना है सो दिस बिकम्स टू हंड्रेड इन टू वन पॉइंट टू सो टू हंड्रेड टू स्क्र इज वन पॉइंट फोर फोर सो दिस कम्स आउट टू बी टू एट एट जीरो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर विल बी टू थाउजेंड सॉरी टू एट एट नॉट जीरो टू एट एट टू हंड्रेड एंड एटी एट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ओके वॉट इज दी अमाउंट डू आफ्टर थ्री इयर्स अमाउंट डू आफ्टर थ्री इयर्स इनिशियल प्रिंसिपल को तीन बार आर परसेंट से सक्सेसिवली बढ़ा दो पहले साल के लिए प्रिंसिपल को एक बार बढ़ाना है दूसरे साल के लिए दो बार तो तीसरे साल के लिए तीन बार सो दिस इज थाउजेंड इन टू वन पॉइंट टू क्यूब वन पॉइंट टू क्यूब इज वन पॉइंट सेवन टू एट यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स एटलीस्ट सो ये आ जाएगा वन सेवन टू

Five thousand into one point two one, which is six zero five zero. So interest uh, for the eighth year total interest of eight years nahi hai, interest for eighth year hai thousand fifty here. Okay, let's move on to the next uh, example now. Okay, so here in this question we have find the compound interest on a sum of rupees thirty two thousand at twenty five percent per annum for four years. Okay, so कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल इंटरेस्ट हमें पता है कैसे मिलेगा अमाउंट ड्यू निकाल के तो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट अमाउंट ड्यू आफ्टर फोर द इनिशियल प्रिंसिपल थर्टी टू थाउजेंड इंटू द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर विच विल बी वन प्लस ट्वेंटी और कितने साल बाद का निकालना है चार साल बाद का सो दिस बिकम्स थर्टी टू थाउजेंड इंटू वन प्लस इज फाइव बाय फोर रेज टू द पावर फोर So this becomes 32000 into uh, 625 by uh, 4 ki power 4 is 256 here, okay. So once you solve this, uh, let us solve this. So first thing is uh, 256, 8 se jayega 32 times, uh, yeah and ye 8 se jayega 4000 times. तो ये फोर से जाएगा थाउजेंड टाइम्स ये जाएगा एट टाइम्स दिस बिकम्स थाउजेंड बाई एट विच इज वन ट्वेंटी एंड फाइनली वन ट्वेंटीप्लाई दिस इज बेसिकली फाइव क्यूब इंटू फाइव की पावर फोर फाइव की पावर सेवन दिस विल कम आउटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव हिस्टे चलो So, this is the amount due after 4 years. So, what we have to calculate is we have to calculate the compound interest. So, the total interest for 4 years will be 78,125 minus 32,000, which will come out to be uh, 46,125 rupees. Okay, 46,125. Let's move on to the next example now. Once again, yeah. The compound interest on a certain sum for third and fourth years is rupees 1815 and rupees 1996.5, respectively. Find the rate of interest per annum. Okay, interest for third year, the aware, which is 1815, and the interest for fourth year, the aware, which is 1996.5. Okay, so we know. वन एट वन फाइव को अगर हम आर परसेंट इंक्रीज करेंगे तो वन नाइन नाइन सिक्स पॉइंट फाइव मिलेगा नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट विल बी प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट को आर परसेंट इंक्रीज कर दो ठीक so, है सो वॉट इज द चेंज हियर द चेंज इज वन हंड्रेड एंड एट्टी वन पॉइंट फाइव वन एटी वन पॉइंट फाइव का चेंज है ऑन अ बेस ऑफ वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टीन हेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर कम्स आउट टू बी टेन परसेंट

600 and amount due after 8 years is 18720, take it. And we have to calculate the sum, the initial principle, fine. So we know uh, the amount due after 4 years will be initial principle ko r percent se increase kar of 4 times and amount due after 8 years will be P into 1 plus r by 100 raised to the power 8. Let us call this as the first equation and this as the second. सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय द फर्स्ट इक्वेशन सो ये कितना आ जाएगा सो so, अगर मैं राइट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन सो आई गेट वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेज टू पावर फोर ये बचेगा एट माइनस फोर फोर बचेगा ठीक है विच विल भीक्वल टू वन एट सेवन टू जीरो डिवाइडेड बाय फाइव सिक्स डबल जीरो ठीक है सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस जीरो जीरो कैंसल्स आउट वन एट सेवन टू डिवाइडेड बाई वन फाइव सिक्स जीरो सो सबसे पहले तो ये फोर से जाएगा फोर थ्री जवेल्व थ्री नाइन जीरो एंड ये जाएगा फोर से फोर फोर जो सिक्सटीन ट्वेंटी सेवन सिक्स एट फोर सिक्सटी एट ओके सो अगेन दिस गो बाय टू लेट्स डिवाइड बाय टू दिस इज टू थर्टी फोर एंड दिस बी 195 here, 234 and 195, okay. Now we can further divide by 3, so this will be 78 and this will be, 3 se 65, okay. 78 and 65 again the common factor is 13 here, so 13, 6 are 78 and 13, 5 are 65. So this it comes out to be 6.5, 6 upon 5 which is 1.2.

इयर्स के लिए दोनों दस परसेंट पे किए हैं एट टेन परसेंट इच सच दैट ही रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बोथ द स्कीम्स ओके ही रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बोथ द स्कीम्स सो अमाउंट ड्यू इन दिस केस इज इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इन दिस केस फाइंड द सम लेंट फॉर फाइव ईयर्स फाइव इस के लिए जो उधार दिया है वो निकालना है कितना होगा तो इसको हम मान लेते हैं एक्स ये हो जाएगा फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस एक्स ओके फाइन सो अब देखो अमाउंट डू इन दिस फर्स्ट केस कितना होगा फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस एक्स इंटू वन पॉइंट वन रे स्कॉर थ्री टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वन प्लस टेन बाय हंड्रेड इज वन पॉइंट वन ओके विच इज इक्वल टू अमाउंट इन दिस केस विच विल बी एक्स इंटू वन पॉइंट वन की पावर फाइव यहाँ पर ओके सुनाओ वन पॉइंट वन क्यूब से ये यह जाएगा यहाँ पर पावर बचेगी सिर्फ टू सो दिस बिकम्स फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट वन स्क्वायर इंटू एक्स विच इज वन पॉइंट टू वन एक्स सो दिस बिकम्स टू पॉइंट टू वन एक्स विच इज फोर फोर टू हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर फोर टू हंड्रेड अपॉन टू पॉइंट To one, which is twenty thousand here. Okay. So the uh, amount lent for five years is 20,000. Okay, so your final answer here is 20,000. Let's move on to the sorry. All right. So now let's move on to the next question. Now here uh, this is similar kind of question, Johamne. Uh, सिंपल इंटरेस्ट में देखा था टूवर्ड्स दी एंड वेर वी यूज शॉर्टकट सो वॉट हैपन्सर इज सम ट्रिपल्स इट सेल्फ इन एट ईयर्स ओके सो पी बिकम्स थ्री पी इन एट ईयर्स ओके फाइन इन हाउ मेनी इयर्स द सम बिकम नाइन टाइम्स ऑफ इट्स फ्रॉम दिपल इंटरेस्ट क्लास दस थर्टी टू ईयर ठीक है वहां पर लॉजिक क्या था

तो इंटरेस्ट हर साल सेम नहीं है तो यहाँ हम वो वाला लॉजिक नहीं लगा सकते यहाँ पे पहले सिंपल इक्वेशन से करते हैं क्या होगा यहाँ पे अमाउंट ड्यू इज थ्री पी विच इज इक्वल टू इनिशियल प्रिंसिपल इन टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेज टू दावर एट हो गया ठीक है सो ऑब्वियसली पी एंड पी विल गेट कैंसल्ड आउट सो ये पी मैं हटा देता हूँ यहाँ से थ्री इज इक्वल प्लस आर बाय हंड्रेड की पावर एट सिमिलरली यहाँ से इक्वेशन बनेगा नाइन पी इज इक्व टू पी इन टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेज टू दी पावर सम नंबर ऑफ इयर्स रहते टी अगेन पी एंड पी विल गेट कैंसल्ड आउट सो आई जस्ट रिमूव दिस ठीक है अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप एथ रूट ऑफ थ्री तो नहीं निकाल पाओगे सो so, आर की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है बट डू यू रेली नीड द वैल्यू ऑफ आर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टी हर एक काम करते हैं राइट हैंड साइड को भूल जाओ लोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ना वॉट इज द रिलेशन बिटवीन थ्री एंड नाइन थ्री स्क्वायर इज नाइन ऑल दो थ्री इन टू थ्री इज ऑल्सो नाइन बट थ्री स्क्वायर इज नाइन वैसे सोचो तो so, इस पूरी इक्वेशन का मैं स्क्वायर अगर कर देता हूं सो आईल गेट नाइन इज इक्वल टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेज टू दावर सिक्सटीन सो नाउ यू सी बोथ दीज इक्वेश बिकम वेरी सिमिलर ये वाली और ये वाली ठीक है नाइन इज इक्वल टू दिस नाइन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस दैट मीन्स टी विल बी इक्वल टू

इट टेक्स थ्री इट टेक्स एट ईयर्स फॉर एन अमाउंट टू बिकम थ्री टाइम्स आपने क्या किया था ये थ्री कैसे आया था प्रिंसिपल को थ्री से मल्टीप्लाई किया था सो प्रिंसिपल तीन गुना हो गया कितने साल में आठ साल में ठीक है सो अमाउंट यू आफ्टर सिक्सटीन ईयर्स सॉरी अमाउंट डू आफ्टर सिक्सटीन ईयर्स विल बेसिकली बी पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस टू दावर सिक्सटीन विच आई कैन राइट एज पी इं टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस टू दावर एट इन टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस टू दावर एट एट प्लस एट सिक्सटीन होता है तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया तो इसको ऐसे सोचो प्रिंसिपल वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेज टू पावर एट कितना है इट इज इक्वल टू थ्री हियर ठीक है सो थिंक ऑफ इट एज के पहले आठ साल में अमाउंट तीन गुना हो गया और फिर नेक्स्ट आठ साल में अमाउंट तीन गुना हो गया ठीक है तो अमाउंट को नाइन टाइम्स करना है नाइन टाइम्स करना है मतलब थ्री का स्क्वायर करना है थ्री का स्क्वायर करना है तो पहली बार ती, तीन गुना होने में आठ साल लगे और अगली बार तीन गुना होने में फिर से आठ साल लग गए यानी टोटल लग गए सिक्सटीन ईयर्स इट टूक टोटल सिक्सटीन ईयर्स फॉर द अमाउंट टू बिकम नाइन टाइम्स ऑफ इट्स ठीक है ये तरीका ऑब्वियसली तभी काम करेगा वेन दिस थिंग इज अ परफेक्ट पावर ऑफ दिस थिंग अदरवाइज तो इम्पॉसिबल होगा राइट right? अगर ये सेवन दिया होता तो वी कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर ठीक है ये तभी काम करेगा जब नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ परेक्ट या फिर ट्वेंटी सेवन होता है या एटी वन होता है एंड सो ऑन राइट सो लेट्स डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स तो अब इसका शॉर्टकट देखते हैं अभी सो अ सम ट्रिपल्स इथ सेल्फ इन एट ईयर्स ओके इन हाउ मेनी इस विल सम बिकम नाइन टाइम्स ऑफ इथ सेल्फ सो शॉर्टकट जो अभी मैंने बताया क्या करना है कि ओके okay, देख लेते हैं पी बिकम्स थ्री पी इन एट ईयर्स fine p has to become 9p in how many years so the funda here is amount becomes 3 times in 8 years as we just discussed amount becomes 3 times in 8 years so ab amount ko kitna hona hai 9 times 9 times yani 3 square hona hai 3 square hona hai 9 is equal to 3 square 3 into 3 तो पहली बार तीन गुना होने में आठ साल अगली बार तीन गुना होने में फिर से आठ साल लगेंगे तो total कितने साल लग जाएंगे

सो so, यहाँ पे देखो अमाउंट बिकम्स डबल इन फोर ईयर्स तो टू टाइम्स हो जा रहा है चार साल में सो ना अमाउंट हैज़ टू बिकम सिक्सटीन टाइम्स सिक्सटीन टाइम्स इज टू की पावर फोर सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो पहली बार डबल होने में चार साल फिर दूसरी बार डबल होने में चार साल फिर दूसरी बार चार साल और तीसरी बार चार साल और चौथी बार भी चार साल तो so, ऐसे चार बार चार साल के पीरियड तो टोटल तो तो कितना समय लग जाएगा इट विल टेक अ टोटल ऑफ सिक्सटीन इंड ओके टोटल सोलह साल में वो सोलह गुना हो जाएगा अमाउंट ठीक है सिंपल सी बात है सो एज फार एस कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंसर्ड दिस इज द बेसिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो विल लुक एट कंपेरिजन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ओके सो दट इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू एंड बाय